यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। टू वेव पल्सेस आइडेंटिकल इन शेप बट इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर आर प्रोड्यूस एट द टू एंड्स ऑफ ए स्ट्रेस स्ट्रिंग एट एन इंस्टेंट व्हेन द पल्सेस रीच द मिडिल द स्ट्रिंग बिकम्स कंप्लीटली स्ट्रेट, है ना। देखो इसमें दिख भी रहा है पूरा, है ना। What happens to the energy of the two pulses, है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ भाई ये सब GIF वगैरह relevant डाल के, है ना, कि अपन concept को और अच्छे तरीके से समझ सके। तो I think clearly दिख रहा है जो बोला है वो यही situation बोली है ना। उनका कहने का मतलब है, देखो मैं बताता हूँ, start यहाँ से हो रहा है ना। ये दो पल्स आ रही हैं identical, जब ये बिल्कुल एक के ऊपर एक आती हैं तो स्ट्रिंग फ्लैट हो जाती है, तो उस वक्त एनर्जी गई कहाँ, क्वेश्चन है, उस वक्त एनर्जी गई कहाँ। तो इसको समझते हैं, ये मैंने क्लासेस में भी एक्सप्लेन करा है, जो लोग मेरे से क्लास नहीं कर रहे उनको बता देता हूँ। तो देखो दो पल्स आ रही हैं एक दूसरे की तरफ, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पल्स ऐसी आई इधर जा रही है और ये वाली पल्स ऐसे जा रही है ना, और जब ये दोनों मिली तो स्ट्रिंग कंप्लीटली फ्लैट हो गई। तो ऐसा लग रहा है एनर्जी खत्म हो गई, है ना, पर थोड़ी देर बाद वेव देखो वापस निकल गई, तो एनर्जी खत्म नहीं हो रही। देखो कहा था ना जब दो वेव्स आती हैं सुपर पोजिशन, है ना, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। दो वेव्स आती हैं, मिलती हैं, हाई लो करती हैं और निकल जाती हैं अपने अपने रास्ते, है ना। दो वेव्स आती हैं, मिलती हैं, हाई लो करती हैं और निकल जाती हैं अपने अपने रास्ते, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, है ना। तो यही होता है भाई, है ना, मिलते हैं निकल जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों वेव मिल रही हैं, स्ट्रिंग फ्लैट हो गई, तो एनर्जी गई कहाँ। ये तो पक्का एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, बिकॉज हमने पढ़ा है एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, है ना। और यहाँ पे दिख भी रहा है कि थोड़ी देर बाद वेव वापस निकल गई, तो वेव वापस कैसे निकली, वेव खत्म क्यों नहीं हुई, है ना। ये वेव वापस कैसे निकल रही है ना, तो अगर तुम थोड़ा सा पार्टिकल की स्पीड पर ध्यान दोगे तो तुम्हें चीजें दिखेंगी, है ना। जब वेव यहाँ पे आ रही है ना, जब वेव यहाँ पे आ रही है, है ना, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी भी है। ये हमने पढ़ा भी है कि ट्रैवलिंग वेव में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होती है ना। तो इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों है, मान लो लेट्स से एग्जांपल के लिए दो जूल है, ये भी आइडेंटिकल है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों दो जूल है, मतलब इसकी भी मैकेनिकल एनर्जी चार जूल है, इसकी भी मैकेनिकल एनर्जी चार जूल है, तो टोटल एनर्जी एट जूल होनी चाहिए हमारे पास। तो देखते हुआ क्या, स्ट्रिंग फ्लैट हो गई। तो स्ट्रिंग फ्लैट हो गई तो एक बात तो पक्की, स्ट्रिंग फ्लैट हो गई मतलब वो नेचुरल लेंथ में आ गई। अगर तुमने एनर्जी वाला डिस्कशन पढ़ा है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इस वक्त जब स्ट्रिंग फ्लैट हुई तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो जूल हो चुकी है। तो मतलब जो एनर्जी, क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो टोटल एनर्जी हमारे पास 8 जूल थी, है ना। तो वो 8 जूल एनर्जी मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पर कैसे उसको विजुलाइज करते हैं ना। तो देखो जब ये वेव, ये पल्स यहाँ पे आ रही है, तो इसके पार्टिकल्स कैसा मोशन कर रहे हैं, सोचो। ये वाले पार्टिकल नीचे जा रहे हैं, पार्टिकल वेलोसिटी निकालना सिखाई है मैंने, ये वाले पार्टिकल तुम्हारे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। इस वेव के साथ क्या हो रहा है, इस वेव के साथ ये वाले पार्टिकल तुम्हारे ऊपर जा रहे हैं और ये वाले पार्टिकल नीचे जा रहे हैं ना। तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी देखो, है ना। अब जब ये दोनों पल्सेस आई तो देखो क्या हुआ, ये वाले पार्टिकल नीचे जा रहे हैं और इसके, ये वाली वेव यहां पे पहुंची है ना, इसके पार्टिकल भी नीचे जा रहे हैं, ये वाले पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं इस वेव के, और इस वाली के, ये वाले ऊपर जा रहे हैं। तो तुम देख रहे हो वेव के एम्पलीट्यूड्स कैंसिल आउट कर रहे हैं, वेव के डिस्प्लेसमेंट कैंसिल आउट हो रहा है, पर वेलोसिटीज एड अप हो रही है। ये वेव भी पार्टिकल से बोल रही है नीचे जाओ, ये वेव भी पार्टिकल से बोल रही है नीचे जाओ। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, स्ट्रिंग जरूर तुम्हारी फ्लैट हो गई है, पर यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनके पास स्पीड है भैया, यहाँ पे इन पार्टिकल्स के पास स्पीड है, है ना, इन पार्टिकल्स के पास स्पीड है, समझ में आ रही है। इधर के पार्टिकल उस इंस्टेंट पे, स्ट्रिंग फ्लैट है पर पार्टिकल्स रेस्ट पे नहीं है। वो जो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी है, जो जितनी भी मैकेनिकल एनर्जी थी उस वक्त, वो सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। तो टोटल एनर्जी कंजर्व है, यहां पर भी 8 जूल थी, यहां पर भी 8 जूल है। तो इसलिए अब समझ में आया इसके बाद वेव निकलती भी कैसे, इसे बोलते विजुलाइजेशन, हमने पूरा विजुलाइज कर लिया। तो स्ट्रिंग फ्लैट होने के बाद क्यों निकली वेव, क्योंकि ये पार्टिकल्स नीचे जा रहे हैं, थोड़ी देर में ये पार्टिकल नीचे होंगे, ये पार्टिकल ऊपर होंगे और ऐसी वेव निकल जाएगी। यहाँ पे तुम देख भी सकते हो, देखो थोड़ी देर के लिए फ्लैट हुई, फिर पार्टिकल्स नीचे हो गए, फिर से वेव निकल गई ना, ठीक है। आई थिंक ये कंप्लीट विजुलाइजेशन है ना। बाकी मैंने वेव को बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ये सारी चीजें ना सिम्युलेटर से पढ़ाई हुई है ना। ये क्लास मैंने यूट्यूब पे ली थी, विच इज कंप्लीटली फ्री, फिजिक्स ऑलिक्स इस चैनल पे जाके ढूंढोगे, है ना। बिल्कुल वीडियो पे जाना, स्टार्टिंग में बनाया था ये वीडियो, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट और सेकंड थर्ड वीडियो था इस चैनल का ना, आज से 3-4 साल पहले बनाया था। तो देखना उसमें बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा तो उससे तुम्हें कंप्लीट वेव का विजुअलाइजेशन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें भी पढ़ाई है।